जब ये बात उस जाटली ने धन्ना को कही तो धन्ना समझाते हैं कि देवी, जिस परमात्मा का हम इतना भजन करते हैं, जिस परमात्मा ने ये इतना उत्तम शरीर दिया है, क्या वो हमारा ख्याल नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उसे याद रखना। इस वचन के द्वारा धन्ना अपनी पत्नी को समझाता है। कैसे समझाता है सुनिए। जय सच्चे मन से भजन करोगे तेरा मेरु खाड़ा हो जागा। जय सच्चे मन से भजन करोगे तेरा मेरु खाड़ा हो जागा। जय सच्चे मन से भजन करोगे तेरा मेरु खाड़ा हो जागा। बावली जय भगवान राम का भजन कराएंगे तब भगवान राम राम तेरे साथी नहीं बनेंगे। आगे उदाहरण पेश करते हैं कैसे। कृष्ण शर्मा गाया से चंद्रमा ने रुखा।
बदले